गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम महेश। आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर बोथ। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एज वी ऑल ऑफ यू नो, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी सब्जेक्ट एंड द वर्ब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले सेंटेंस पढ़ा, उसकी डेफिनेशन जानी, उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर जाना। उसमें हमने देखा था, जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया था वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसे हम वर्ब नहीं पढ़ेंगे, जो आर है इसमें वो साइलेंट है, इसे हम पढ़ेंगे वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, या कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आप लोग देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में पहले से ही बताया है कि सब्जेक्ट वह होता है जो किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में, या तो किसी कार्य को कर रहा हो या उसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे कि सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन है? सी ब्यूटीफुल है, या सीता इज ब्यूटीफुल, तो सीता ब्यूटीफुल है। इस सेंटेंस में सीता के बारे में बात की जा रही है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि ये तो कोई कोई कार्य कर रहा हो। जैसे कि राम इज गोइंग टू हाउस, राम कहाँ जा रहा है? राम घर जा रहा है। तो काम कौन कर रहा है? यहाँ पर राम कार्य को कर रहा है। अब जैसे कि वर्ब, तो मैंने आपको वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में भी बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो, जो वीडियोस हमने दिए हैं सेंटेंस के लिए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देखें और समझें। आपको अच्छे से समझ में, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो वर्ब के बारे में मैंने बताया, जो कर्ता के एक्शन को, कार्य को दर्शाती है, कर्ता की स्थिति या कार्य को या अवस्था को दर्शाती है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये हमारी प्रेजेंट की अवस्था है। अवस्थाओं को हमने तीन, समय को हमने तीन स्थितियों में बांटा था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये जो वर्ब की जो अवस्था है, वो अवस्था हमारी क्या थी? वो प्रेजेंट की अवस्था थी। और मैं वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, तो वो पास्ट की अवस्था थी। और मैं वीडियो का लाके बनाऊंगा, तो ये फ्यूचर की कंडीशन थी। अब हम लोगों ने ये दो चीजें तो समझ ली, वर्ब और सब्जेक्ट। अब क्या सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग समझेंगे आज ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस क्या है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि सेंटेंस बनाया कैसे जाता है। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, यहाँ से नहीं जा सकता। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं भी नहीं जा सकता। तो हम लोग आज समझेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में और आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है। तो ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन वो है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग्स दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कर्म होता है, जो कारक होता है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। तो जो कर्म होता है वो क्रिया के कार्यों को रिसीव करता है, रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब सीधा ये है कि जिसका क्रिया, जिसका ऑब्जेक्ट पर असर पड़ता है, किसका असर पड़ता है? क्रिया के द्वारा जो काम किया गया है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, उस पर असर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि कैसे असर पड़ता है, क्या होता है। तो हम लोगों ने अभी, मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका ऐसे रेस कर दिया है, अब हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर, हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि राम ब्रॉ द ग्लास, इसका जो हिंदी में अर्थ है तो मैं आपको बता दूं कि राम ब्रॉ द ग्लास, राम ने गिलास तोड़ दिया, या राम ने गिलास तोड़ा। तो जो कार्य किसके द्वारा किया गया?
गिलास किसके द्वारा तोड़ा गया? गिलास तोड़ा गया राम के द्वारा। गिलास किसके द्वारा तोड़ा गया? गिलास तोड़ा गया राम के द्वारा। तो क्रिया कर्म क्या हुआ? तो जो क्रिया थी वर्ब थी वो क्या थी? ड्रॉ, तोड़ना। जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब होती है, मैंने आपको बताया था जो मुख्य क्रियाएं होती हैं स्विम, तैरना, वॉक, नहाना, ईट, खाना, ब्रेक मींस तोड़ना, तो ये मुख्य क्रियाएं होती हैं। राम ब्रोक द ग्लास, तो टूटने का काम किस पर हुआ? मैं जो बात कर रहा हूं ऑब्जेक्ट की, जैसे आपको बता दूं कि राम ब्रोक द ग्लास, एक दो तीन, ये आपकी मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको, एक दो तीन। अगर आपको सब्जेक्ट का पहचान करना है, अगर आपको सॉरी आपको यदि ऑब्जेक्ट की पहचान करना है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर यहां पर मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होगी इज या रीडिंग, अगर ऐसा लिखा होगा तो हम लोग चार तक गिनती पढ़ेंगे, चार तक काउंटिंग पढ़ेंगे और चौथा जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसमें हेल्पिंग जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर तीन तक गिनती पढ़ेंगे और तीसरा ही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। 90% केसेस में ऐसा होता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब टूटने का कार्य किस पर हो रहा है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग्स दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो ऑब्जेक्ट में जो सेंटेंस होता है वो तो पर्सन हो सकता है या थिंग्स हो सकता है, तो यहाँ पर जो गिलास है वो एक वस्तु है, एक थिंग्स है। तो राम ब्रोक द गिलास, राम ने गिलास तोड़ा, तो टूटने का कार्य किस पर हुआ? टूटने का कार्य किस पर हुआ? गिलास पर टूटने का कार्य हुआ है, तो इसने टूटने के कार्य को रिसीव किया, टूटने के कार्य को रिसीव किया। जब राम ने गिलास तोड़ा तो गिलास टूटा, राम ने गिलास तोड़ा तो गिलास टूटा, तो उस पर सीधा डायरेक्ट असर किस पर पड़ा? डायरेक्ट असर पड़ा किस पर? गिलास पर। जैसे कि राम ब्रोक द गिलास, राम ने गिलास तोड़ा, असर किस पर पड़ा? गिलास पर। टूटने का काम किस पर हुआ? राम को टूटा नहीं, ब्रोक भी नहीं टूटा, तो टूटा कौन? गिलास टूटा। तो हम आप लोगों को एक बार एग्जांपल देते हैं, समझे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप समझ सकेंगे। जैसे कि राम इज बीटिंग श्याम, राम इज बीटिंग श्याम, तो इसका जो हिंदी में अर्थ है वो हम आपको बता दें। राम इज बीटिंग श्याम, राम श्याम को पीट रहा है। क्यों पीट रहा है? कुछ गलती की होगी तभी उसको वो पीट रहा है, क्योंकि राम जो है वो श्याम का भाई है, वो कुछ भी कर सकता है। तो राम इज बीटिंग श्याम, राम श्याम को पीट रहा है, तो राम कार्य को कर रहा है। यहाँ पर राम क्या हो गया? यहाँ पर राम सब्जेक्ट हो गया, ये जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, बीटिंग जो यहाँ पर है मेन वर्ब हो गई, वो जो श्याम है वो यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बीटिंग श्याम, श्याम को पीट रहा है। पिट कौन रहा है? श्याम पिट रहा है। दर्द किसको हो रहा है? श्याम को हो रहा है। तो पीटने का कार्य किस पर हो रहा है? श्याम पर पीटने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे, एक दो तीन चार। मैंने आपको बताया था कि राम की अगर हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो जो हमारा चौथा होगा, चौथा का मतलब जो फोर काउंटिंग होगी, वो ही क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम एक ट्रिक के माध्यम से व्हाट और हुम करके निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट और हुम के तरीके से निकाल सकते हैं। हमने देखा यहाँ पर व्हाट मींस क्या, व्हाट मींस क्या, हुम मींस किसको। हमने पहला एग्जांपल लिखा था राम ब्रोक द ग्लास, राम ब्रोक द ग्लास। हमने दिमाग लगाम से, किसी ने पूछा कि ऑब्जेक्ट बताइए सेंटेंस में, तो मेरा दिमाग सीधा वहां गया और हमने कहा भाई व्हाट और हुम से तो हम पता कर सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट किया जाए। तो हमने लगाया दिमाग और हमने बताया कि व्हाट मींस क्या, व्हाट मींस क्या, ये तो एक डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड एक फैमिली होती है, उसका ये क्या है, मेंबर है। लेकिन आपको ट्रिक बता रहा हूँ अभी, मैं आपको डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में अवगत नहीं करा रहा हूँ। तो राम ब्रोक द गिलास, राम ने क्या तोड़ा? तुरंत आवाज आई, राम ने गिलास तोड़ा, राम ने क्या तोड़ा? राम ने गिलास तोड़ दिया। भाई अब क्या होगा? राम ने गिलास तोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या टूटा? गिलास टूटा। तो यहाँ पर क्या कैन करके आया? द गिलास क्या टूटा?
गिलास टूटा। यहाँ पर हमारी जो ट्रिक थी वो काम कर गई, क्योंकि राम ने कुछ तोड़ा है। राम ने क्या तोड़ा, हमने आपसे पूछा राम ने क्या तोड़ा, आपने तुरंत हमें आंसर किया, हाल तुरंत बताया कि राम ने क्या तोड़ा, राम ने गिलास तोड़ दिया है। अब हमने कहा राम जो बीते श्याम, राम श्याम को पीट रहा है। अब एक क्वेश्चन निकल के आया, राम किसको पीट रहा है, राम किसको पीट रहा है, तो राम श्याम को पीट रहा है। और किसको की जो मीनिंग होती है, जो स्पेलिंग होती है, वो हुम होती है। तो यहाँ पर जो श्याम है वो हुम का कार्य कर रहा है। हुम का मतलब किसको, राम की बीटिंग श्याम, राम किसको पीट रहा है, राम अपने भाई श्याम को पीट रहा है। क्यों पीट रहा है, कुछ गलतियां उसने की होंगी इसलिए उसे वो पीट रहा है। तो किसको यहाँ पर आया, तो हम लोग समझ गए कि हुम और व्हाट से हम पता कर सकते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट। हम कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि एक बार मैं आपको बता दूं, जो ऑब्जेक्ट की हमने डेफिनेशन बताई है वो ये है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन और थिंग्स दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो क्रिया के कार्य को क्या करता है, रिसीव करता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आपको फिर बताता हूँ, एक बार फिर से बताऊंगा अभी कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक आउट टाइम प्लीज। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग आपको एग्जांपल के माध्यम से एग्जांपल के अकॉर्डिंग फिर से एक बार बताते हैं। जैसे कि मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो मोहन क्या कर रहा है, मैंने आपसे पूछा मोहन क्या कर रहा है इस सेंटेंस में हमें बताएं, तो आपने तुरंत कहा सर मोहन तो मैच खेल रहा है, मोहन तो मैच खेल रहा है, मोहन मैच खेल रहा है। तो मोहन की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मोहन मैच खेल रहा है। आप लोग पढ़ते रहिए और खेलते रहिए, मोहन प्ले क्रिकेट। तो मोहन क्या खेल रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर निकल के आया कि मोहन क्या खेल रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे कि जो व्हाट है वो वस्तुओं के लिए, जो थिंग्स के लिए, किसके लिए, थिंग्स के लिए। और जो हुम है वो पर्सन के लिए, किसके लिए, पर्सन के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो व्हाट है वो थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ऐसा कह दूं, या हुम जो है वो पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। एक एग्जांपल और देखेंगे हम, जैसे कि एक एग्जांपल हमने और देखा, काइट इज फ्लाइंग सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा रही है सीता। तो यहां पर जो सीता है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंगिंग हमारा मेन वर्ब हो गया, और सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे समझे, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता क्या गा रही है, सीता गाना गा रही है। तो हम लोग ने समझा कि हुम और व्हाट के माध्यम से हम कैसे ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ये ट्रिक थी ऑब्जेक्ट निकालने की, ऑब्जेक्ट पता करने की। तो सीता क्या गा रही है, सीता गाना गा रही है। हमने एक ट्रिक आपको और बताई कि हम काउंटिंग करना चालू करेंगे, एक दो तीन और चार, एक दो और तीन चार, चौथा जो हमारा वो ऑब्जेक्ट बताया मैंने। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ है, जैसे कि इज सिंगिंग एम गोइंग, जैसे कि इज आर एम वाज वर, ये जो है वो लिंकिंग, जो हेल्पिंग वर्ब है लिंकिंग वर्ब है, और जो खाना पीना जाना नहाना चराना ये सब मेन वर्ब है। तो हम काउंटिंग करेंगे, एक दो तीन चार, चौथा जो हमारा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, चौथा जो क्या होगा हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि हमने समझा कि सीता क्या गा रही है, सीता गाना गा रही है। तो हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो करता कर्म होता है वो वह होता है जो वर्ब के कार्यों को एक्शंस को रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव करता है। राम इज बीटिंग श्याम, तो पीटने का कार्य किस पर हो रहा है, राम पर हो रहा है, पिट कौन रहा है, राम श्याम पिट रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सीता क्या गा रही है, सीता एक
अभी तक ये बात नहीं पहुंची है कि एमडी पब्लिक स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी है, वो अभी तक खेल रहे हैं, तो उनसे अब कहेंगे कि खेलना बंद कर दीजिए, लॉकडाउन आप लोगों का समाप्त हो चुका है, आप लोग पढ़िए, सिलेबस जो मैंने कराया जा रहा है यहाँ से उसके नोट्स तैयार करते रहिए, उन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग हो जाए और आप जब क्लास में आए तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।